सो हे गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके गाइस, सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको अलाइट मोशन में आ जाना है। प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 9x16 के साइज में। आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जो भी फोल्डर में आपका फोटो है, अपनी फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपको एक फोटो ऐड करना है। ओके, कोई भी एक फोटो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, एंड शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सिलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक करके सेव कर लेना है। फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है इस प्रोजेक्ट से, और बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पे शुरू में जो लिखा हुआ है फोटो, इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नॉट फोन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपनी फोटो को जो आपने क्रॉप किया उसको सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका जो फोटो ऐड हो जाएगा, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिट कंपोजिशन एरिया इस प्रकार से कर लेना। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, या फिल कंपोजिशन एरिया भी आप कर सकते हो, इस प्रकार से कर लेना। उसके बाद आपको सिलेक्ट करके आगे जाना है, और यहाँ पर टैक्स है ना, तो यहाँ पर एक टैक्स जो है हमारा एक फॉन्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये फ़ॉन्ट है विंटर साउल। तो ये फ़ॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मटेरियल्स वाले लिंक में मिल जाएगा, तो ये फ़ॉन्ट इंपोर्ट कर लेना। अदरवाइज आप कोई और फ़ॉन्ट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है 6:10 वाले बिटमार्क पे, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, और अब आपको अपनी नॉर्मल फोटो को ऐड करना है। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पर क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो गाइस, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाला एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को ऐड करते रहना है, और लास्ट तक यहाँ पे सही फोटो को ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यार जितना ही फोटो ऐड होगा आपको सही फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी सही फोटो को ऐड कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको ऐड करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। ओके, इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैंने सभी फ़ोटो को ऐड कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। जैसे आप फोटो को ऐड कर लेंगे, अब यहाँ से आपको बैक आना है, सर्टिफिकेट प्रीसेट को ओपन करना है। तो इस बार जो है आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो इंपोर्ट कर लेना ध्यान से, क्योंकि आजकल जो है मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। तो अब क्या करना है, सबसे नीचे वाला जो लेयर इस पर मतलब फोटो का लेयर इस पर क्लिक करना है, और इफेक्ट पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। यहाँ से बैक आना है, बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, सिलेक्ट करके आगे जाना है, और यहाँ पर जो 6 सेकंड से फोटो स्टार्ट हो रहा है इस फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, इस प्रकार से सेम इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लास्ट तक पेस्ट करते जाना है। सो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम पेस्ट करते आएंगे, और लास्ट यहाँ पे सही फोटो में इफेक्ट पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे आप पेस्ट कर देंगे, अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ओके, एंड सर्टिफिकेट प्रीसेट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट अल लेयर करना है। नीचे से इमेज को अनटिक कर देना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी 6 लेयर कर लेना है। यहाँ से बैक आके बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और शुरू में आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 6 लेयर करना है। सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है, इन सब जो 6 लेयर है इन सभी लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे इसका लेंथ है लास्ट आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर शेयर का आइकन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।